नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो बात करने वाले हैं वो हम मरकरी के रिगार्डिंग बात करेंगे, बुध के रिगार्डिंग बात करेंगे। हम लोग जोडियाक साइंस में बात कर ही रहे हैं जी कि अगर मरकरी फर्स्ट हाउस हो तो मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देते हैं। तो उसमें हमने स्कॉर्पियो लगन तक का कवर कर लिया था, और अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट लगन है वो हमारा सेजिटेरियस है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए ये वीडियो मुझे पहले बनानी थी, मैं बना नहीं पाया तो अब बना रहा हूँ। अभी भी खास अच्छी नहीं है, बट ठीक है, चलता है, ये तो ऊपर नीचे की बात है। बहरहाल आज वीडियो की रिगार्डिंग बात करने से पहले एक बात बता देते हैं कि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का मैसेज दिया है और उन सबको मैंने रिस्पॉन्ड किया है, बट मैंने सबकी कुंडली रीड नहीं कर पाया और कुछ लोगों की रीड कर पाया हूँ। 20 अगस्त तक मैंने कईयों की कुंडली रीड करी है, 4-5 लोगों की कुंडली रीड करके दी है मैंने तो। लेकिन मेरे पास बहुत मैसेज आए थे तो रियली सॉरी, माफ़ कीजिएगा जी कि मैं आप सबकी रीडिंग नहीं कर पाया। मैं चाहता अगर मेरे बस में हो तो मैं कर लूँ, एक वन मैन आर्मी के बेसिस पे काम करता हूँ तो उसमें इतनी रीडिंग नहीं हो पाती, और वो भी सिलेक्शन, वैसे भी मैं सिलेक्टेड कुंडलीज की ही रीडिंग करता हूँ फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे, तो सबकी नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। चैनल को सपोर्ट करिएगा, साइमल्टेनियसली बोलूँगा जी कि अगर आपकी रीडिंग नहीं हो पाई है, अगर आप अभी भी चाहते हैं तो 30 अगस्त से पहले पहले रिपीट लिख के 30 अगस्त लिख के भेज दीजिए, अगर आपने पहले अपनी कुंडली रीडिंग में डाला था और नहीं हो पाई। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नाम, जेंडर और अपने दो सवाल, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपकी कुंडली रीडिंग, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में आपकी कुंडली डाल सकता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो फ्री, जो पहली बार आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी अगर अपनी फ्री कुंडली रीडिंग करवानी है तो जो डिटेल मैंने अभी बोला वो सब अपना मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और आपकी रीडिंग अगर आपकी भी सिलेक्शन में अगर आती है तो आपकी भी रीडिंग हो जाएगी, आपके दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी रीडिंग करते हैं जो कि जुपिटर लगन में, अगर मतलब सैजिटेरियस लगन में अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठो तो क्या रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, लगन आपका 9 है, 9 नंबर लिखा और मरकरी यहाँ पे स्वयं बैठे हों तो क्या रिजल्ट देता है। तो मरकरी के दो हाउस हैं, और ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू जुपिटर और मरकरी दोनों, जुपिटर का हाउस है ये 9, ये तो मैंने आपको बोलना है पहले। तो जुपिटर का हाउस है 9 और मरकरी यहाँ पे बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। तो लगन में बैठे हुए मरकरी तीसरे घर के तीसरा नंबर और छठा नंबर इस कुंडली में 7वें घर पे और 10वें घर पे लिखा हुआ है। तो वर्क प्लेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उसके दोनों के ओनर होके मरकरी यहाँ पे बैठे हैं। सेकेंड हाउस के, 7th हाउस के ओनर है, तो हेल्थ से रिलेटेड भी जो इशू है, क्योंकि आठवें नंबर का जहाँ से हम क्या बोलते हैं आयु काउंट करते हैं, उसके जस्ट पीछे 7वां घर होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग हेल्थ से रिलेटेड आयु की कंपलीटिशन हम 7वें घर से भी देखते हैं। तो आयु की कंपलीटिशन का घर है 7वां, तो आयु अगर यहाँ पे देखा जाए तो 7वें घर से, 7वें घर को मारक माना जाता है, दूसरे घर को मारक माना जाता है, 12वें घर को मारक माना जाता है, 8वें को भी और 6ठे को भी। तो इन घरों को हम लोग थोड़ा सा मारक के कैटेगरी में हाई लेवल पे लेते हैं। तो मरकरी यहाँ पे 7वें घर का ओनर होके बैठा है, तो हो सकता है जी कि हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कतें हों शादी के बाद। हालांकि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ जी कि आपको आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, यहाँ पे आपकी वाइफ के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आपकी वाइफ काफ़ी समझदार और काफ़ी सुंदर होंगी, सुंदर होने होंगी ही और समझदार भी होंगी और पैसे वाली होंगी, आपको उनसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन लेवल आपकी मरकरी के फर्स्ट हाउस में बैठने के कारण आपके साथ उनका अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी रहेगी और शादी के बाद आपकी ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। हालांकि यहाँ पे फादर के साथ भी मरकरी का अगर देखा जाए तो 10वें घर का ओनर होके मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फादर के लिए भी ये अच्छा, आपके साथ फादर का रिलेशनशिप के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फादर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतरीन रहने के चांसेस हैं और काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और उनके सपोर्ट से आपको आगे की ग्रोथ भी मिलेगी। मरकरी के यहाँ पर रहने के कारण, फर्स्ट हाउस में रहने के कारण वाइफ और फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहने के चांसेस बन जाते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में भी अच्छा रिलेशनशिप बनने के चांसेस बन जाते हैं। साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो जॉब से भी आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। मरकरी से रिलेटेड लोग ज़्यादातर कैलकुलेशन में जाते हैं, तो या तो वो बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं या
कोई भी चीज़ करते हैं जो कैलकुलेट मैथमेटिक रिलेटेड काम हो उसमें चले जाते हैं जॉब में, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी उनका अच्छा ग्रोथ रहता है क्योंकि माइंड कैलकुलेशन में अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन में अच्छा रहता है। इस कारणवश दोनों फील्ड में उन लोगों का काम अच्छा बनता है। इस कारणवश इस कुंडली में दोनों फील्ड में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, या कंसल्टेशन में जा सकते हैं क्योंकि दोनों का काम कंसल्टेशन में कंप्लीट हो जाता है। आप दोनों काम कर सकते हैं अगर आप कंसल्टेंसी में जाते हैं तो। यहाँ पे अब मैं ये बोलूँगा जी कि यहाँ पे पहले घर की दृष्टि पड़े तो शादी के बाद हो सकता है आप जॉब में बिजनेस में जाने में ज़्यादा इंक्लाइंड हो, या आपके एक सेकेंड जॉब के साथ साथ आपके एक बिजनेस भी चल रहा हो। तो आप ये भी कर सकते हैं जी कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ अगर आपके पास टाइमिंग है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपना एक छोटा बिजनेस या एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिले। रिटायरमेंट के बाद भी आपको बेनिफिट मिल सकता है उसका, और अगर साइमल्टेनियसली अच्छा ग्रोथ जॉब में बिजनेस में मिले तो आप जॉब एक चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम दोनों से बनने के चांसेस बन रहे हैं, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप दोनों से अपना लाभ उठा सकते हैं, दोनों से बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं अगर मरकरी पहले घर में बैठा हुआ हो तो। गुरु के घर में बैठा हुआ है इसलिए मरकरी के साथ गुरु का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहता है। दोनों एक तरीके से देखा जाए तो गुरु बोला जाए तो ज्ञान का सोर्स है और मरकरी इंटेलिजेंसी का सोर्स है। तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन है दोनों का कुछ खास अच्छा रहता नहीं है, इसमें थोड़ा सा अनबन रहता है, इसलिए यहाँ पे मरकरी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो हो सकता है जी कि आपको थोड़ा सा एरोगेंस या थोड़ा सा अपने आप पे घमंड आ जाए, तो उस चीज़ को कम करने की कोशिश करिएगा क्योंकि यहीं पे ऐसे ही मरकरी आपको नेगेटिव इफेक्ट्स या आपके ऊपर नेगेटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैं यही बोलूँगा जी कि मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ आपके आपको इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कम्युनिकेटिव और अच्छे दिमाग का बनाता है जिससे आप फ्यूचर में अपने आप को अच्छी ग्रोथ लाने में अपनी ग्रोथ ला सकते हैं। तो ये था मेरा रीडिंग, मरकरी अगर फर्स्ट हाउस सैजिटेरियस लगन में हो तो क्या होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू।